चलो देन देन आगे अपन चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सबके, इसमें Na जो है Na प्लस में चेंज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, Cl जो है Cl माइनस में चेंज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ये सारी चीजें अपन बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब चीजें अपन कर चुके हैं, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ये सभी चीजें, कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉमन लेना, अपन तो बहुत एडवांस कर चुके हैं, जितना इन्होंने दिया है उससे हम लोगों ने बहुत एडवांस किया है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताना अगर कोई चीज ऐसी हो जो मेरे दिमाग से निकल गई हो मैंने ना बताई हो और इसमें हो तो अपन उसे देख लेंगे इंशाल्लाह। और आगे चलते हैं अपन, ये सब देखते जाए एक एक करके। और मैंने आपको ये भी बताया ना, मैंने आपको ये भी बताया कि सपोज करिए Cu एंड Ag है, इन दो के बीच में रिएक्शन है तो Cu और Ag में से कौन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, Cu, तो ये एनोड के जैसे काम करेगा, ये किसके जैसे काम करेगा, एनोड के जैसे, ये क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, और ये किसके जैसे काम करेगा कैथोड के जैसे काम करेगा, ये क्या करेगा रिड्यूस करेगा, रिड्यूस रिड्यूस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा कितने लेगा ये सब चीजें, बैलेंसिंग एटसेट्रा एवरीथिंग वी हैव डन। सो फिर भी आप इसको करो अच्छे से बहुत, और इंशाल्लाह जिन बच्चों ने ध्यान से सुना है जो एबसेंट रहे होंगे या जिन्होंने नहीं सुना उनकी बात अलग है, अदरवाइज जिन बच्चों ने सुना है उनके लिए हम लोग बहुत आगे की चीजें सब कर चुके हैं, तो ये सब अपना हो चुका है। देन इसके बाद अपन, इन्होंने इन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी नहीं है लेकिन उससे बारे में इन्होंने बात करी है, लेकिन मैंने तो आपको पूरी सीरीज दी है, मैंने तो आपको क्या किया है पूरा सीरीज दिया है, मैंने तो आपको पूरा सीरीज दिया। ये कौन है बच्चा, किसने किया है, बहुत बुरा हश्र करूंगा बेटा, एक बार मेरे हफ्ते चढ़ जाओगे ना बहुत बुरा हश्र करूंगा, अगर किसी से गलती से किया होता तो वो फौरन बोलता कि सर उससे गलती से हो गया, बहुत बुरा हश्र करूंगा एक बार मेरे हफ्ते चढ़ जाओगे। हमने टाइप नहीं किया। अच्छा नहीं टाइप नहीं है, किसने लिखा था ना, मैंने कब कहा था तुमने टाइप किया, ये किसी ने पेन से गोताखोरी करी थी ना, मैं उसी बात कर रहा हूं, ठीक है गलती से होता है तो हमें बोल देना चाहिए सर की गलती से हो गया है, चलो ठीक है आगे चलते हैं अपन। तो अब अपन आए देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मैंने तुम्हें कितनी सारी बातें बताई हैं, अभी और इंशाल्लाह बताऊंगा, मैंने क्या कहा है तुमसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख बेस, अब उससे बाद अपनी क्लास ही खत्म हो गई नहीं तो मैं चेक करता कितने बच्चे लिख सकते हैं, लिख बेस काना मेस अलजनफी, Zn के पहले Mn और Fe के पहले Cr, देन कोबाल्ट निकिल टिन लेड हाइड्रोजन Cu Ag Hg Au प्लैटिनम फ्लोरीन, ये मोस्ट रिएक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने क्या कहा था एक पॉइंट, आपने ये कहा था कि जो अपर वाला एलिमेंट है, सपोज करो ये और ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दो के बीच में रिएक्शन हो रही है सेल में, तो ये अपर वाला एनोड के जैसे काम करेगा और नीचे वाला ये कैथोड के जैसे काम करेगा, ठीक है ये एनोड के जैसे काम करेगा और ये कैथोड के जैसे काम करेगा।
विदाउट नेम किसी भी बच्चे को मैं क्लास में एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सी पार्सल रिसीव कर लो, एक सेकेंड में। सर आप म्यूट हो गए। आवाज है सर। हेलो, हम लोग क्या बातें कर रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बातें कर रहे थे कि जो अपर प्लेस्ड होता है वो हमेशा एनोड के जैसे काम करता है, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, और जो लोअर प्लेस्ड होता है वो कैथोड के जैसे काम करता है। तो यही सब चीजें जितना अपन ने पढ़ा है ना बेटा, उतना नहीं लिखा है इसमें, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांस पढ़ा है, तो ये सब चीजें इतनी आपको इसमें नहीं मिलेंगी। नीट वीट की बुक्स जो पढ़ेंगे आप या जो क्वेश्चंस करेंगे आप, उसमें उसका इस्तेमाल होगा। देन इसके अलावा जो है, ठीक है ना, ये सब तो किया हुआ है ना अपन ने। यस सर। हाँ चलिए, तो ठीक है आगे चलते हैं। अब अपन ऑक्सीडेशन नंबर किया था, अब कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा अगर अपन को करना है तो उसके लिए अपन को आइंस के नोट्स आने चाहिए। जितनी चीजें हमने आपको कही है, पीरियडिक टेबल करना वो आपने नहीं किया अगर, या आयंस आपने नहीं किया अगर, तो फिर ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीजें करने का। तो इसलिए वो सब चीजें याद करने वाला हिस्सा तो याद करना पड़ेगा। अब बच्चे कहते हैं सर ये नहीं समझ में आया, बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से समझ में आएगा जब आपको आयंस नहीं पता, जब आपको चार्जेस नहीं पता, तो आएगा कहाँ से समझ में। इसलिए तो हमने 12 पॉइंट्स कराया था कि ये सब चीजों में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, ये सब चीजें आप आराम से कर पाओ, ठीक है। तो चलो, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर अपन कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन नंबर किया था हमने, तो ऑक्सीडेशन नंबर में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी बातें करी थी, तो वो भी हम देखें अच्छे से। देन उनमें जो भी मुश्किलें हैं, मसले हैं, वो बताएं, ये सब चीजें हमने करी हुई हैं। स्टॉक्स नोटेशन भी आपको बताया हुआ है कि स्टॉक्स नोटेशन क्या होता है, स्टॉक्स नॉमिनक्लेचर क्या होता है, ये भी आपको बताया हुआ है कि क्या होता है। रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देन इसके बाद और आगे चलिए, और आगे चलिए। अब यहां जैसे देखो, वो अपन से कहेंगे, यहां जैसे देखो वो अपन से कहेंगे कि AU का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो देखो H कितना है 1 प्लस, AU कितना है निकालना है, Cl कितना है 4 है, तो माइनस 4 हो गया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है 0। तो अब AU कितना होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, यानी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको H का नहीं आता, अगर आपको Cl का नहीं आता, तो फिर कहां से करोगे। और H और Cl तो आसान है, आइंस के नोट्स में तो है ना, मैंने और भी बहुत सारी मुश्किल चीजें भी लिखी हैं। यस वेरी गुड मुन्ना, चलो वेरी गुड। तो इस तरह से निकाला जाता है। यासिर तुमने देख के बोला कि बिना देख के बोला, करके बोला? चलो ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अगर बिना देखे बोला है तो बहुत अच्छी बात है,
आगे अपन चलते हैं। मैं तुमसे ये भी बता चुका, बार बार कह रहा हूँ, ऑक्सीडाइज कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं, और फिर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ये सब बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। तो इन सबको देखो, कहीं हो सकता है ये रिएक्शन मुश्किल हो, डिफरेंट हो, ये पॉइंट जिस रिएक्शन में यूज हो रहा हो वो मैंने ना बताया हो और वो इसमें हैगा, है ना, तो वो फिर मुझसे पूछना पड़ेगा। तो फिर तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज है। अब अपन चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, डिकम्पोजिशन बताया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है, मेटल डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट पे। देन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है, इतनी सारी रिएक्शंस ही है, सारी पढ़े। अब देखो मैंने तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है ना, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाया हुआ है। अच्छा, और आगे चलते हैं अपन कि देखो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सर ऑक्सीडेशन फॉर्मूला सर सबके लिए सही रहेगा सर? फॉर्मूला मतलब वो जिससे अपन x निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। हाँ वो तो मैथ्स है ना, वो तो अपन ने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा था ना 8th 9th में 7th में, कौन सी क्लास में, 9th में शायद। तो वही मेथड है भाई, जो तुम्हें नहीं पता है वो निकालना है तुम्हें, तो वो x ले लो, वो x ले लो। सर H2SO5 में सर अलग आ रही है उसकी वैल्यू। हाँ H2SO5 में, ये तो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया है ना H2SO5, तो कल मैंने पढ़ाया है, ये है H2SO5, ये है H2SO5, ये H2SO4 हुआ, एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर हम और ले लें, एक O यहाँ पर हम और ले लें, ये हो गया, ये माइनस वन, ये माइनस वन, माइनस टू, तो क्या आया +6। लेकिन अगर तुम वो एवरेज वाली मेथड से करोगे, एवरेज वाली मेथड से करोगे तो 2 + x - 10 = 0, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर अगर तुम्हें जो उन्होंने ABCD ऑप्शन दिया है, अगर जो तुम्हें उन्होंने ABCD ऑप्शन दिया है उसमें 4 है, 7 है, 5 है, 8 है, ये है, तो अब यहां तो 6 है ही नहीं, तो फिर तुम इसी गलत मेथड से ही आंसर लिखोगे। यस ठीक है। हाँ अगर वो +6 भी दे और 8 भी दे, तो फिर 8 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे अपन। ठीक है, तो ये बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है बेटा, तो इसलिए अपन को बहुत ध्यान से करना है। तो ये देखो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैंने क्यों लिखा ये, क्योंकि मुझे उसकी स्ट्रक्चर बनानी आती है, अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती होगी तो मैं थोड़ी कर पाऊंगा। तो इसलिए अपने को बॉन्डिंग में बहुत अच्छा होना है, स्ट्रक्चर सारी बनानी आनी चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा क्या नाम है, यासिर ना, ये अपना एक्चुअल कलर है, लेकिन अपन ये मस्ती के चक्कर में अपने क्या कलर को पोर्ट्रे कर देते हैं, है ना, इसलिए ध्यान से सिंसियरली करो तो इंशाल्लाह अपने को हर चीज बनेगी। कल तुम ही थे ना? नो सर, कल तो हम आए नहीं थे। कल तुम नहीं आए थे, अच्छा तो दूसरा कोई बच्चा होगा। चलो मैं पहचानता नहीं हूँ ना अभी कई बच्चों को। कल बस सुबह की बैच में आए थे और फिजिक्स का डाउट सेशन अटेंड किया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ अपना, तो आगे अपन चलते हैं। और अब देखो तुमने बोला H2SO5, तो मैंने बता दिया, तो उसमें एवरेज और एग्जैक्ट दोनों का बता दिया, तो इस तरह से चीजें अपन को हैंडल करना है। अब उसके बाद अगला जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है।
अगला जो है नेक्स्ट जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन भी मैं तुम्हें बता चुका, इनका इतना बड़ा बड़ा है क्योंकि इन्होंने जो चीजें लिखी हैं, जो चीजें करी हैं उसको लिखा है, मेथड इन्होंने बताया है, मेथड इन्होंने बताया है, इसलिए इतना एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो मैं तो बोल बोल के कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तो मेरा आंसर तो छोटा सा ही, राइटिंग में तो छोटा सा ही होगा। तो चलो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने भी तुम्हें कल दिए थे, उन सब एग्जांपल्स को अच्छे से करो, देखो इनके भी एग्जांपल्स को देखो अच्छे से, अल्लाह जाने कौन सा आए। डिस्प्रोपोर्शनेशन ये भी सब एग्जांपल्स करो, ये जो दिए हुए इन्होंने ये भी सब एग्जांपल्स अपन करें, ठीक है, इन सबको भी करो। इन सबको भी अपन करें, देन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ये भी मैं तुम्हें बता चुका। और देखो अब जैसे मुस्तफा या जोहेब या ऐसे जो भी बच्चे या क्या नाम है अरीश और ऐसे कई सारे बच्चे जिन बच्चों के महक मुझे नाम याद नहीं आ रहे, सहरेश, ये सारे बच्चे जितने भी अच्छे और भी दूसरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि मैंने तीन चार बच्चों का नाम लिया तो यही बच्चे अच्छे हैं बाकी बच्चे खराब हैं। मुझे जिन जिन के नाम याद आ रहे हैं, जिन जिन के नाम मालूम है मुझे, मैं उन बच्चों के नाम ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चों से बातें कर रहा हूँ, कोई बच्चा जो हो सकता है जीरो ला रहा हो कल तक और आज अच्छे से पढ़ रहा हो तो वो भी अच्छा करेगा। तो देखो मैं जो चीज मैं पढ़ाई हुई है मैं तुम्हें एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, तो तुम्हें कंपेयर करा रहा हूँ कि देखो तुम कितने एडवांस हो। BR3O8 में इन्होंने क्या लिखा है, देखो ये -2 ये -2 ये 0 ये 0, तो ये -2 -2, तो फिर ये BR क्या हो जाएगा +4, ये लिखा है +4। अच्छा ये -2 ये -2 ये -2 और ये 0, तो कितना हो गया -6, तो ये BR कितना होगा +6, ये देखो ये +6 लिखा हुआ है। इन्होंने सिर्फ तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर बताया, इन्होंने सिर्फ तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर बताया, लेकिन मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ा चुका हूं। देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ऑड भाई, ब्रोमीन जो है ध्यान से सुनो। अच्छा किसी बच्चे ने मुझसे कहा था पिछले वाले का H2SO5 का, जैब तुमने कहा था ना, तो मैंने H2SO5 ना बता करके ये बता दिया, ठीक है, H2SO5 ना बता करके ये बता दिया। अब चलो उसने चूंकि कहा था तो एक चीज और बता दूं कि तुम्हें BR का निकालना है एवरेज मेथड से। सो 3x-16=0 एवरेज मेथड से, तो x=2 कितना आ गया 16/3, x=2 कितना आ गया 16/3, ठीक है, x=16/3 आ गया। तो ये एवरेज मेथड हो गया बेटा, ये एवरेज मेथड हो गया और ये एग्जैक्ट मेथड हो गया, मैंने तुम्हें दोनों बता दिए, वो नहीं बताया H2SO5 नहीं बताया लेकिन ये बता दिया। चलो अच्छा आगे चलते हैं अपन। अब देखो मैंने, इन्होंने तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर तुमको बताया लेकिन मैंने क्या बताया कि इसके ये कौन से ब्रोमीन कौन से ग्रुप का है, 7A ग्रुप का है, हैलोजन का है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 7, यानी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इंटू ऑड यानी कैसे समझोगे इस चीज को, भूल जाएंगे अपन तो। तो ऑड इंटू ऑड यानी 3 × 3 7 × 7 हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा ना, हमेशा ऑड आएगा। अब ये ऑक्सीजन क्या है, 6 से ग्रुप में है यानी इवन नंबर है, तो इवन इंटू इवन ये इवन है ना, तो इवन इंटू इवन क्या आएगा हमेशा 2 × 2 = 4 4 × 4 = 16 6 × 6 = 36 यानी इवन इंटू इवन हमेशा क्या आता है इवन, ये ऑड है ये इवन है, ऑड और इवन अपन मिलाएंगे तो क्या आएगा ऑड आएगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एग्जाम्पल है, क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 BM नहीं रहेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 BM नहीं रहेगा, ये हमेशा इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल रहेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा हमेशा फ्रैक्शनल। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है,
अभी बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ पाएगा। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल रहेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3/2 रहेगा, 5/2 रहेगा, ऐसे रहेगा, 1, 2, 3, 4 कभी नहीं रहेगा, फ्रैक्शनल रहेगा। देन ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन वॉल बॉन्ड वाले जितने भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कोई मेथड नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपली ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब भी हो हमेशा क्या लिखना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखना, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर लिखना। चले आगे। देखो हमने इतनी एडवांस चीजें करी है बेटा, अब यहाँ मुझे चांस मिल रहा है तुम्हें बताने का कि देखो अपन ने क्या किया। स्पेशली जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं उनके साथ में कर पाया हूँ, जो इवनिंग वाले बच्चे हैं उन बच्चों के साथ तो इतना एडवांस नहीं पढ़ पाए क्योंकि उन बच्चों ने अभी स्टार्ट ही किया है ना। हाँ, BR जीरो होगा ना मिसबा? BR जीरो होगा ना बेटा? BR जीरो होगा, BR जीरो होगा, तभी तो अपन ऐसे कुछ नहीं लिया, बस -2 -2 -2 लिया। ये BR थोड़ी लिया, जीरो को क्या लेना, तो ये +6 हो गया। अच्छा हाँ अच्छा, और ये BR जीरो ही तो है, ये BR जीरो है, ये BR जीरो है, तो ये -2 -2 -2 +6, ये -2 ये -2, तो ये फिर +4, तो इसी तरह से तो किया है अपन ने। ठीक है, ठीक है मिसबा, जल्दी जल्दी बोला करो भाई। चलो ये C3O2 भी मैं बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं, टेट्राथायोनेट, मैं थायोनिक एसिड बता चुका हूं, टेट्राथायोनिक एसिड करके बताया मैंने। और अगर नहीं समझ में आया, नहीं बताया हो मैंने, ऐसे ही बोल दूं मैं कि बताया है, तो फिर मुझे बता दिया करो कि सर आपने ये नहीं बताया, तो करा दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई इंसान गाली थोड़ी बक रहा है जो कोई बुरा मानेगा, तो बता दिया करो कि चलो ठीक है आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं अपन। और ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सब चीजें मैंने बताई हुई है, तो वो चीजें भी देखो और उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा जैसे एक तुम्हें और बताता हूँ एक एग्जाम्पल, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखो कल तुमने क्या लिखा था, कल तुमने लिखा था Fe3O4 लिखा था, और फिर क्या लिखा था कि ये FeO और Fe2O3 का बना है। FeO में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2+, और Fe2O3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3+। ये तुम्हारा क्या है? एग्जैक्ट मेथड है। ये तुम्हारा कौन सी मेथड है? एग्जैक्ट मेथड है। ये तुम्हारी कौन सी मेथड है? एग्जैक्ट मेथड है। अब अपन आते हैं एवरेज मेथड पे, अब अपन आते हैं एवरेज मेथड पे। अब अपन आते हैं एवरेज मेथड पे। एवरेज मेथड में कैसे निकालोगे Fe3O4 का? Fe का निकालना है अपन को, तो 3x - 8 = 0, तो x = कितना आ गया? 8/3। अगर डिस्कनेक्ट हो जाना बेटा तो दोबारा से कनेक्ट कर लेना, इसलिए क्योंकि ये 40 मिनट का ही रहता है ना खाली, तो दोबारा से कनेक्ट कर लिया करो। तो Fe = 8/3 आ गया। इस तरह से ये फ्रैक्शनल नंबर आया, इस तरह से ये फ्रैक्शनल आया। ठीक है आगे चले एक और अरे बाप रे, क्या क्या किया भाई, इतनी तेज तुमने बोला कि हम तो डर गए। चलो ठीक है, Pb3O4 पे भी ऐसे ही आओ। Pb3O4 का मतलब क्या निकला कि ट्वाइस PbO प्लस PbO2। अब ये चीज है ना अपन को पता होना चाहिए, देखो Pb कितना हो गया? 3 हो गया। Pb कितना हो गया? 3 हो गया। Pb here is 2 and there it is 1, so 2 plus 1 is 3, so net
total number of pb here in this compound is 3. Now see how many oxygens are there, 2 oxygen plus 2 oxygen, 4 oxygen, so it is pb3o4. In pbo pb will be 2 plus charge, and in yahan dekho yahan kitna ho gaya, ye -2 -2 kitna ho gaya, -4 ho gaya, ye -4, ye -4, to fir ye kya 4 plus, to ye 2 plus aur ye 4 plus oxidation state hota hai. Ye to tumhari exact method ho gayi. ये कौन सी मेथड हो गई तुम्हारी, एग्जैक्ट मेथड हो गई. अब आओ एवरेज मेथड पे. समझ में आ रहा है, जो बच्चे एग्जैक्ट और एवरेज की इतनी बातें कर रहे थे उन बच्चों की वजह से मैं ये करा रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई किसी तरह का डाउट नहीं रहे. मुस्तफा ठीक है बेटा? यस सर. आप लोगों को बेटा हालात के हिसाब से देख के आंसर चुनना होता है, एंट्रेंस में यही तो मुश्किल है. तो बच्चे को जो है ना दिमाग से बहुत एक्टिव रहना चाहिए, दिमाग से बहुत सुकून से रहना चाहिए, तभी अपन का दिमाग अच्छा चलेगा और अपन कर पाएंगे. चलो एवरेज मेथड देखते हैं. 3x-8=0, सो x इज इक्वल टू 8/3, ये आ गया. तो एवरेज और एग्जैक्ट की इतने सारे एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए, लेकिन एवरेज तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा, लेकिन एग्जैक्ट वही निकाल पाएगा जिसको बॉन्डिंग में अच्छा है, वही बच्चा निकाल पाएगा. जो आयंस में अच्छा है, जो बॉन्डिंग में अच्छा है, जिसका कॉमन सेंस अच्छा है, वही बच्चा. हाँ, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे, ठीक है. तुम्हारा नाम क्या है मुन्ना, मैं भूल जाता हूँ. जुहेब और जीशान. यासिर. अच्छा, तुम जीशान और उससे साथ ही बैठते थे ना जोहेब के? हाँ सर. अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, तुम तो मेरी नजर में पॉजिटिव हो मुन्ना, मैं समझ जाता. एक और दूसरा बच्चा भी था कल, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं. क्या बताऊं बेटा, वो याद रहना चाहिए जैद, वो जो एग्जैक्ट वाला है वो अपन को याद होना चाहिए. ये सब कंपाउंड्स में पता होने चाहिए, ये सब कंपाउंड्स में पता होने चाहिए. ओ का जो है जैद, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर याद है? नहीं, याद है. चलो एयू का कितना होता है? थोड़े वोड़े से काम नहीं चलेगा बाबू, क्योंकि हम वो पूछेंगे जो तुम्हें नहीं आता, तो फिर वो तो जीरो हो जाएगा. पूरा याद करना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी बेटा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से जाएगा. और अब हम इंतजार भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत, एक महीना तकरीबन होने को हो रहा है. आज कितनी तारीख है, 15 तारीख को है तुम्हारे पास में, 18 या 19 दिसंबर को आया था, तो अब तो तकरीबन एक महीना होने को आ रहा है. तो अब तो इतना वक्त पहले दिन से मैं कह रहा था पीरियडिक टेबल याद करना, और जिन बच्चों को पीरियडिक टेबल याद है उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी एक सेकंड में याद हो जाएगी, उनको आयंस भी याद हो जाएंगे, सब एक सेकंड में याद हो जाएगा. और जिन्होंने नहीं किया उनकी हर जगह गाड़ी ऐसे ही अटका करेगी, कुछ भी समझ में नहीं आया करेगा. तो फिर मैं बार बार थोड़ी कराऊंगा एक ही चीज को, इसलिए पहले समझाया था कि खूब अच्छे से पढ़ो. चलो आगे चलते हैं अपन. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये अपना आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें अपन 2-3 दिन लगाएंगे, मतलब आज के बाद भी अभी 2-3 दिन लगेगा. तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो. तो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ बेटा, 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि चलो अच्छे से पढ़ लो, खूब अच्छे से आयंस भी याद कर लो. आज तुम्हारा सैटरडे, आज शाम तक आयंस याद कर लो, कल अपना ऑक्सीडेशन नंबर और सब चीजें पढ़ो करो. बैलेंसिंग का भी जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा या थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूँ, उसको पढ़ो. और जो भी डाउट है वो मंडे पूछ लो, और डाउट निकलेगी ट्यूजडे पूछ लो, और डाउट निकलेगी वेडनेसडे पूछ लो, खत्म. क्योंकि ये बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो अपना इंशाल्लाह 2-3 दिन में अगले खत्म हो जाएगा. तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर चीजें तुम्हें याद होंगी तो एक सेकंड में सब समझ में आ जाएगा, कोई डाउट आउट नहीं रहेगी. डाउट उन्हीं बच्चों को रहेगी जिन बच्चों ने याद नहीं किया, तो उन बच्चों को तो मैं एड्रेस करूंगा नहीं जिन्होंने याद ही नहीं किया है. तो चलो जैसे मैं तुम्हें समझा रहा था ना कि सबसे पहले ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो उन्होंने भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को उसी तरह से समझाया, ठीक है. इन्होंने दूसरी तरह से लिखा है, मैंने दूसरी तरह से लिखा है. मैं किताबों को प्योरली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, मैं उनसे अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, कम लिखने की कोशिश करता हूँ. तो देखना जो तुम्हें इजी लगे, ये तुम्हें इजी लगे तुम इससे पढ़ो, मेरे नोट्स तुम्हें इजी लगे तो तुम उसमें से करो, जिसमें तुम्हें करना है उसमें करो. चलो तो अब अपन वापस ये 2-3 देखो, ये वाला कराया था शायद मैंने कल तुम्हें,
है ना, ये वाला कराया था। और दूसरा जो है, ये वाला भी करा रहा था, या इसी टाइप का था कुछ, तो वो करा रहा था। तो चलो खैर जो भी हो, देखो इन्हें अच्छे से करो, और फिर जो भी मसला हो तो वो बताओ। तो अब अपन चलते हैं और आगे, ये बस दो एग्जाम्पल देके हाफ रिएक्शन मेथड पे आ गया, लेकिन मैं अभी और पढ़ाऊंगा और एग्जाम्पल्स दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कई सारे आयरस याद भी करने पड़ते हैं। अब जैसे मुझे Cl- का तो याद करना पड़ेगा ना, उसकी हेल्प से फिर दूसरा निकालूंगा। याद भी करने पड़ते हैं और निकालने का मेथड भी है, ठीक है, दोनों है। लेकिन कुछ एबीसीडी याद होगा भाई, तुम्हारे तुम्हारे चार एलिमेंट्स है ना, इनमें से इसका निकालना है तुम्हें, तो ये कहां से निकालोगे तुम? अगर ये ये और ये तुम्हें आते होंगे तब तो ये निकालोगे, नहीं तो कहां से निकालोगे? तो ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे ना, फिर इसका निकाल सकते हो। जीरो से कहां से निकालोगे? कुछ भी याद नहीं है तो फिर क्या निकालोगे? फिर तो बाबा जी आएंगे हाथ में, ठीक है मुन्ना। चलो आगे चलते हैं अपन। चलो तो इन्होंने देखो दो ही पढ़ाया, और दो पढ़ाने के बाद ये किस पे आ गए? ये आ गए हाफ रिएक्शन मेथड पे। अपन वापस चलते हैं। Excuse me, sir. हाँ, बोलो। सर केमिकल बॉन्डिंग में उस स्ट्रक्चर की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो आप ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस? हाँ एक्चुअली में जो वो सब चीजें ना बेटा, किसी बच्चे ने और ने भी शायद जीशान ने कहा था मुझसे कि सर उसकी स्ट्रक्चर से डाल दीजिए, तो ये चीजें जो है ना ये नोट्स की चीजें नहीं है, प्रैक्टिस की चीजें, एक्सरसाइज की चीजें, वर्कबुक टाइप की चीजें हैं। तो ये किताबों में या मेरे नोट्स में नहीं है, ये मैं ऐसे ही जब तुम्हारी क्लास होती है तो जो जो मुझे याद आता जाता है वो मैं बोलता जाता हूँ। तो उसका एज सच जो है ना कुछ भी रिटन कंटेंट या स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो अपन क्लास में ही करने वाली चीज है। तो इंशाल्लाह उसको और करेंगे अपन, अभी थोड़ा सी अभी अपनी क्लास स्टार्ट हुई है। अब मैं जो है कल से इंशाल्लाह कल घर पहुंच जाऊंगा, तो मंडे से अपने घर से क्लास लूंगा, तो इंशाल्लाह फिर तो अपन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ना, कभी संडे भी कर सकते हैं, कभी कुछ एडिशनल भी कर सकते हैं, या कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो ज्यादा करना चाहते हैं, उनको बॉन्डिंग चाहिए, तो वो अपन एडिशनल भी कर सकते हैं ना, ठीक है? तो इंशाल्लाह कर लेंगे वो अपन। थोड़ा अभी अभी अपन ने स्टार्ट किया है मॉर्निंग में, तो इसलिए अभी नहीं किया मैंने कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जी सर। कौन था, अरीश थी? नहीं सर, हम महक है। अच्छा महक हो, अच्छा महकी नहीं ना, इसलिए मैंने पूछा, अरीश की आवाज जैसी लग रही थी। चलो अरीश भाई आए नहीं आए? चलो अरीश एब्सेंट है, चलो ठीक है, बस मुझे याद दिलाते रहा करो। जैसे अब दानिश ने मुझे याद दिला दिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, बस यही मेरे नेगेटिव है, छोटी छोटी सी चीजें। और कभी कभी उस चक्कर में बहुत अच्छी क्लास हो जाती है और रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाता हूँ मैं, तो फिर बाद में अफसोस होता है, क्योंकि अपने चाहने ना चाहने से क्लास अच्छी या बुरी नहीं होती ना, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तो टीचर ऑटोमेटिकली अच्छी क्लास कर देता है, बच्चे नहीं पढ़ते तो फिर टीचर भी सोता है।